यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी बची है भारत और नेपाल सीमा की। नेपालगंज 5 किलोमीटर और कोहलपुर 24 किलोमीटर। अगर आप नेपाल घूमने आ रहे हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपकी गाड़ी के ओरिजिनल पेपर्स होने चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ठीक है। और हेलमेट तो ज़रूर लेके आना। उसके बाद में आपकी गाड़ी के दोनों साइड के शीशे ज़रूर होने चाहिए, नहीं तो 2000 चालान होता है, यहाँ पे कोई रियायत नहीं होती, ठीक है। पौवा हुआ नहीं लगता है कि चाचा को फ़ोन करके छुड़वा देंगे। ये हमारे सामने नेपाल बॉर्डर का गेट, और ये गेट नेपाल के स्थापत्य कला को दर्शा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये, इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस साइड में कुछ महाविद्यालय बने हुए हैं जिनमें नेपाली स्टूडेंट्स भी काफ़ी संख्या में पढ़ते हैं, क्योंकि नेपाल में एजुकेशन बहुत महंगा है और इंडिया में उसके मुकाबले कुछ सस्ता है, इसलिए लोग आसपास के आते हैं और पढ़ते हैं। मैंने भी यहीं से ग्रेजुएशन किया है। जब आप नेपाल के अंदर यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपकी तलाशी होगी, और जो सोल्जर्स आपकी तलाशी लेंगे भाई, उनकी वीडियो मत शूट करना, ठीक है, नहीं तो आपकी वीडियो भी डिलीट कर दी जाएगी और आपका फ़ोन भी छीन लिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। और यहाँ से आपकी एंट्री होगी, ये कुछ इस प्रकार से गेट बना हुआ है यहाँ का। तो दोस्तों अभी बॉर्डर के अंदर हमने एंट्री कर दिया है। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं, इसलिए मैं वहाँ बॉर्डर का वीडियो इसलिए मैं नहीं बनाया है, ठीक है। तो कुछ आपको नज़ारा दिखा देता हूँ बॉर्डर का किस प्रकार से है। और ये है हमारे सामने बॉर्डर का नज़ारा। इधर से मैंने एंट्री किया है, सामने गेट है और इधर हम जाने वाले हैं नेपाल के अंदर। और हमारा भंसार जो होगा गाड़ी का वो सामने ही होगा। भंसार कराने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के ओरिजिनल पेपर्स होने चाहिए, ठीक है, ऑफिशियल एंट्री करना है। तो सामने है गेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और अगर आप नेपाल के अंदर आ रहे हैं तो आप रात को 10 बजे से पहले आ सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बड़ी गाड़ियों को निकाला जाता है, जैसे ट्रक होते हैं, टैंकर होते हैं फ्यूल के, उनको निकाला जाता है। जब आप नेपालगंज के अंदर एंट्री करेंगे तो आपका जो सिम कार्ड होगा उसका नेटवर्क सिस्टम बंद हो जाएगा। तो अगर आप घूमना चाहते हैं कहीं आसपास में तो एक बागेश्वरी मंदिर है और वहाँ पे कपड़े की मार्केट भी बनी हुई है, जैसे आप जैकेट या कुछ स्वेटर शूज़ शॉपिंग करना चाहते हैं तो बागेश्वरी मंदिर के पास ही मार्केट है, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप घूमना चाहते हैं आसपास में कहीं तो काफ़ी सारे वाटर पार्क बने हुए हैं, वहाँ पर आप घूम सकते हैं। यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ गाड़ी का भंसार कराने के लिए, यहीं पे भंसार होगा हमारा, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं नेपालगंज बागेश्वरी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, और इसी चौक से आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा, फिर लेफ्ट साइड में इधर यहाँ पे बागेश्वरी मंदिर प्रवेश द्वार बना हुआ है। अगर आप ठंडी के मौसम में आ रहे हैं, ठंड के मौसम में, और अगर आप जैकेट खरीदना चाहते हैं, स्वेटर खरीदना चाहते हैं, जूते खरीदना चाहते हैं तो इस मार्केट से खरीद सकते हैं भाई। नेपालगंज के अंदर इससे अच्छी मार्केट आपको नहीं मिलेगी। मॉल कई सारे हैं लेकिन वहाँ पे इतने महंगे प्रोडक्ट हैं भाई, इंडिया से भी ज़्यादा महंगे हैं।
और यहाँ पे जो जैकेट होती है ना काफ़ी फेमस है, यहाँ का गोल्ड स्टार जूता काफ़ी फेमस है। मतलब यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो विदेश से आते हैं, मतलब जैसे रसिया थाईलैंड, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होती है और मजबूत भी होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, टिकाऊ होते हैं। यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब 4-5 किलोमीटर के रेंज में ये मार्केट फैली हुई है। इसी के बीच में एक बागेश्वरी मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, घूमते फिरते हैं। ये है मार्केट का नज़ारा। बागेश्वरी मंदिर के आसपास की जो मार्केट है बहुत ही लंबे क्षेत्र में फैली हुई है, आपको काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आप पर्सनल बाइक से आ रहे हैं ना तो आपको घूमने में और शॉपिंग करने में थोड़ी आसानी होगी, और साइड मिरर तो ज़रूर लगा के आना भाई, फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो आपका 2000 लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मज़ेदार धमाकेदार वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। और अगर आपको इंस्टा पे फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप DM कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।